अयोध्या दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, भगवान श्री राम की नगरी है अयोध्या। ये उन्होंने कहा, अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अयोध्या के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। नव निर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करूंगा, ये उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने का सौभाग्य मिलेगा। अयोध्या यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों के मेरे परिवारजन, परियोजनाओं से उनका जीवन आसान होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जिसके जरिए वो जिक्र करते हैं कि कैसे अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की जो समृद्ध विरासत है उसके संरक्षण के लिए कदम उठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है और ये उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम क्या कुछ, वो आप एक बार समझिए। राम का धाम मोदी का काम, अयोध्या को 15,700 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से भव्यता के साथ अयोध्या एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक रोड शो भी यहाँ पर करने वाले हैं। सुबह 11:15 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि अब अयोध्या धाम हो चुका है, उसकी सौगात पीएम देंगे। दोपहर के 12:15 बजे एयरपोर्ट की सौगात देंगे। 1 बजे 15,700 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात देंगे। 1,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की जो सेवा करने के लिए एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। टर्मिनल जो है वो ऐसी भव्यता के साथ वहाँ पर उसका निर्माण हुआ है कि भगवान राम से जुड़ी तमाम चीज़ें उसमें समाहित की गई हैं। 821 एकड़ में निर्माण, 3 फेज में ये दरअसल जो एयरपोर्ट है वो निर्मित हो रहा है, उसका कार्य चल रहा है। पहला और जो दूसरा फेज है वो घरेलू उड़ानों के लिए है। जो तीसरा फेज होगा वो इंटरनेशनल उड़ानों के लिए होगा, यानी कि अगर दुनिया के किसी कोने से कोई श्रद्धालु पहुंचना चाहता है श्री राम के दर्शन के लिए तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा गया है। बोइंग प्लेन भी यहाँ पर लैंड कर पाएंगी, जो जानकारी है इसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि रामनगरी से कब जो फ्लाइट्स हैं वो शुरू होगी। पहले फेज में 6 जनवरी को पहली फ्लाइट सुबह 11:55 पर दिल्ली से उड़ान भरेगी। 1:15 बजे ये अयोध्या पहुंचेगी, दिल्ली से ये फ्लाइट निकलने वाली है। इसके बाद अयोध्या से रवाना होगी 1:45 बजे और इसके बाद 3 बजे ये पहुंचेगी। 11 जनवरी से अहमदाबाद अयोध्या के बीच हफ्ते में 3 उड़ानें होंगी। 10 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली आप उड़ान भर पाएंगे। ये हम आपको इस फ्लाइट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी सौगात है वो रेलवे स्टेशन की, वो क्या खास है आप समझिए। 3 मंजिला रेलवे स्टेशन बनाया गया है और अब ये अयोध्या धाम है। 240 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। लिफ्ट है, एस्केलेटर है, फूड प्लाजा है, यानी कि रेलवे स्टेशन पर आपको एयरपोर्ट वाली सुविधा मिल रही है। पूजा अर्चना की सामग्री की दुकानें हैं वहाँ पर, क्लॉक रूम है, वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं हैं, यानी कि अगर आप कुछ देर पहले पहुंचते हैं, अगर आपकी ट्रेन थोड़ी लेट है या फिर ट्रेन के आने में थोड़ा वक्त है तो आप आराम से वहां पर रेलवे स्टेशन पर वहां पर लुत्फ उठा सकते हैं। वहां पर तमाम तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो हैं, इसके अलावा जो आधुनिक सुविधाएं हैं जो कि अमूमन आपको एयरपोर्ट पर मिलती हैं वो भी आपको अयोध्या धाम के इस रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़े से प्लाजा बनाए गए हैं, वो तमाम रेस्ट रूम हैं कि जो लोग पहुंचते हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं वो वहाँ पर आराम कर सकते हैं। क्लॉक रूम है, वेटिंग हॉल है और उसमें भी तमाम तरह की सुविधाएं हैं। IGBC प्रमाणित ये ग्रीन स्टेशन भवन है। इसका निर्माण बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है और राम मंदिर के तर्ज पर ही इसे बनाया गया है। परियोजनाओं की नींव पीएम रखने वाले इसमें गुप्तार घाट, राजघाट के बीच घाटों का जो जीर्णोद्धार का काम है वो जुड़ा हुआ है। नया घाट से लक्ष्मण घाट तक विकास एवं सौंदर्यकरण की नींव पीएम रखेंगे। राम की पैड़ी मेलों के लिए आगंतुक गैलरी का निर्माण होगा। अयोध्या में तीर्थ पथ का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण इसमें शामिल है। इसके अलावा लखनऊ अयोध्या हाईवे की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। मौजूदा जो बाईपास है उसका सुदृढ़ीकरण होगा, संशोधन होगा। अयोध्या में CIPET केंद्र की स्थापना होगी। विकास प्राधिकरण कार्यालय का निर्माण होगा। ये तमाम नई परियोजनाएं हैं जिसकी नींव पीएम रखेंगे और अहम इसलिए है क्योंकि जब बात करते हैं अयोध्या नगरी की तो कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उसमें विकास के लिहाज से एक नए अध्याय को जोड़ा जाए, ये कोशिश है। रेलवे को कैसे रफ्तार मिलेगी वो आप समझिए, क्योंकि 3 रेलवे परियोजनाओं को भी पीएम राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। 2300 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजनाएं होंगी। इसके अलावा
अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडे भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। 6 नए वंदे भारत ट्रेन हैं जिनको हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन कई ऐसी हैं जो कि अयोध्या से खुलेंगी, कई सारी ऐसी ट्रेन हैं जो कि अलग अलग रूट पर चलेंगी। यानी कि आप समझिए कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कैसे रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत हो, यही कोशिश है। पीएम का ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो उसके 23 दिन के बाद वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब रूट क्या होगा वो भी आपको एक बार हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि वो रोड शो करने वाले हैं, तो सबसे पहले एयरपोर्ट गेट नंबर 3 से उनका ये काफिला निकलेगा। NH-27 के रास्ते होते हुए आगे बढ़ेगा। NH-27 के बाद जो अगला पड़ाव है वो धर्मपथ है और उसी धर्मपथ के रास्ते प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए जो दूसरा जो पड़ाव है वो लता मंगेशकर चौक है, जो कि बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ है वो आकर्षण का केंद्र भी रहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुँचेगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जहाँ पर प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे और एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, कितनी खूबसूरती है, किस तरीके से भव्यता से इसको बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जाएंगे वो जैसे उनके कदम पड़ेंगे अयोध्या धाम के इस रेलवे स्टेशन पर, वो अनुभूति करेंगे कि वो राम की नगरी में आ चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण भी हुआ है।